पानी के बीच ये लोग किसमें जा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हमारा KTR टाइगर रिजर्व का दूसरा दिन है और आज हम चलेंगे काली नदी में बोटिंग करने के लिए। ये देखिए हमारे पीछे आपको काली नदी दिखाई दे रही है और यहाँ पर बोटिंग एक अलग तरीके से होता है। यहाँ की जो नाव होती है गोल राउंड होती है, एक हमारे लिए न्यू एक्सपीरियंस है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको बोटिंग पर। देखिए कितना खूबसूरत ये काली रिवर है। भैया मान के गिर रहे थे, सही जवाब दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम हम काली टाइगर रिजर्व घूमने के लिए आए हुए हैं, तो हमारे जो ठहरने की जगह है वो डांडेली में फॉरेस्ट लॉजेज एंड रिसोर्ट्स है और उसके पीछे की तरफ में ही ये काली नदी का कुछ बैक वाटर है जहाँ पर टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए यहाँ के रिसोर्ट वालों ने ये बोटिंग की सुविधा प्रदान करी है। तो अभी सुबह का टाइम है तो हम यहाँ पर बोटिंग के लिए चलते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। बांस की बनी हुई इस राउंड बोट में टूरिस्ट की सुविधा के लिए इसमें एक स्टूल रख दिया गया है जिससे कि वे उसके ऊपर आराम से बैठ सकें, लेकिन यहाँ पर सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है क्योंकि पानी का किनारा है और बहुत स्लिपरी भी है। इस एक बोट में 3 से 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं और ये करीब 10 से 15 मिनट का राउंड है। इस बोट को करैकल कहते हैं। ये जो ह्यूज फ्लोटिंग बास्केट है ये एक्चुअली में साउथ इंडिया में ट्रेडिशनली यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है। मैं जैसे तैसे बोट में बैठ तो गई लेकिन मेरे कैमरे संभल नहीं रहे हैं। वैसे तो आमतौर से ही पानी में बोट पर कैमरे का बैलेंस बनाना मुश्किल होता है, लेकिन ये बोट तो गोल है तो ये कभी भी राउंड घूम जा रही है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मज़ा आ रहा है। न्यू एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये नदी पथरीली है और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी घास हैं और इसमें जानवर छुपे हो सकते हैं, इसलिए बोट को बहुत संभाल के निकालना पड़ रहा है। यहाँ देखिए आसपास में कितने पत्थर हैं और इन्हीं पत्थरों के बीच में एक पत्थर पे क्रोकोडाइल लेटा हुआ हमें दिख रहा है। हमारे बोटमैन कह रहे हैं कि क्रोकोडाइल के थोड़ा और पास ले चलते हैं बोट को जिससे कि फोटोग्राफी हो सके। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नदी कुछ ज़्यादा चौड़ी नहीं है और इसके किनारे कुछ गांव भी हैं और वो बता रहा है कि ये गांव वाले नदी के पानी पर ही डिपेंडेंट हैं। यहाँ के पानी को वो यूज़ करते हैं कपड़े धोने, बर्तन धोने और नहाने आदि के लिए। बैठा हुआ, आओ पकड़। भाई देखो देखो पास में आ गया। उड़ा दे उसको। क्रोकोडाइल। ये तो जाता नहीं। थोड़ी देर में जाए। मस्त सो रहा है। क्रोकोडाइल है ये। उसको जब उसको ये अब सांस लिया, अब चलेगा। अब सांस लिया इसने। बेबी क्रोकोडाइल है ये। अब क्या? देखिए दोस्तों यहाँ पर भी पानी में तैरता हुआ एक और क्रोकोडाइल हमें दिख गया जो अपनी पूंछ हिला रहा है। देखिए
पानी में कुछ बर्ड्स भी दिखाई दे रही हैं। ये एक और क्रोकोडाइल दिख गया। काफी क्रोकोडाइल यहाँ पे दिख रहे हैं। काफी डेंजरस है ये नदी, हमें तो डर लग रहा है बोटिंग के समय। दोस्तों ये राइड हमारी यहीं समाप्त हो रही है और आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कहां पर विजिट होता है। काली टाइगर रिजर्व में अभी बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए। थोड़ी बारिश है अभी, आज तो वहाँ पर साइटिंग कम ही दिख रही है और जल्दी हम आपको वहाँ ले कर चलेंगे। देखते रहिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। नमस्कार।